यादव से उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, वही करेंगे, क्योंकि वो कर चुके हैं। जब वो कुछ सांसद नहीं भी थे तो इतना बड़ा एक आंदोलन छेड़ दिए थे मुजफ्फरपुर में। उसका अच्छा असर भी दिखा, लोगों के बीच कम से कम जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे मुजफ्फरपुर शहर में हो रही है। मुजफ्फरपुर अभी तो चुनाव से ही निकले हैं वो, और हम पुनः उनसे मिल करके चाहेंगे कि लोकसभा में इस बात को उठाएं, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचे, और उनके उनके संज्ञान में आने के बाद न्याय मिल सके। और हम चाहिए एक बेटी को बचा लीजिए पप्पू यादव जी, जो मुजफ्फरपुर में घूम घूम करके कह रहे थे कि चतुर्भुज जैसे स्थानों को हम ध्वस्त कर देंगे। और अभी हमारे साथ यसी के पिताजी हैं, जो आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आज से 20 महीना पहले एक यसी नाम की लड़की थी, जो MBA की छात्रा थी और मुजफ्फरपुर से लापता हो गई। अपने कॉलेज के लिए घर से निकली थी और रास्ते से लापता हो गई, और शाम को जब घर नहीं लौटती है तो पूरे परिवार में बेचैनी सा हो जाता है कि मेरी यसी कहाँ गई। हर जगह रिश्तेदार गांव में ढूंढा जाता है, फोन करके एक दूसरे को पूछा जाता है कि क्या यसी आपके पास गई है क्या। जब पता नहीं चलता है, कई महीने बीत जाता है, थाने में FIR भी दर्ज होते हैं। कई महीने बीत जाने के बाद जब नेताजी को पता चलता है तो अपने अपने हिसाब से सभी नेताजी आंदोलन करने पहुंचते हैं। यसी के नाम पे पप्पू यादव जी जब सांसद नहीं थे तब मुजफ्फरपुर पहुंच के उनके परिवार से मिले थे और बता रहे थे कि इस परिवार से मेरा गहरा संबंध है। और उसके बाद उस परिवार के लिए मुजफ्फरपुर में आंदोलन भी किए थे पप्पू यादव जी चल करके। अब यसी के पिताजी मेरे साथ में हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि पप्पू यादव जी जब सांसद नहीं थे तो उनके लिए आंदोलन कर रहे थे, अब तो सांसद बन गए, अब दिल्ली चले गए, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वहां पे कैसा उम्मीद है पप्पू यादव जी से, क्या कहिएगा सर? पप्पू यादव जी को, माननीय सांसद जी को धन्यवाद अर्पित करते हैं। उन्होंने उनके बहुत महती प्रयास से उनके अपने कीमती समय इस कार्य में लगाए, और उतनी गर्मी धूप में पूरे मुजफ्फरपुर में रोड पर चीज़ों को लाया, जिससे पूरे मुजफ्फरपुर शहर में एक जागृति आया कि नहीं, एक बच्चे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। हम उनको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और बहुत उम्मीद है। क्या कहिएगा, जब सांसद नहीं थे, नेता नहीं थे तो सड़कों पे घूम घूम करके यसी के लिए न्याय मांग रहे थे, अब तो सांसद में चले गए। अभी तो चुनाव से ही निकले हैं वो, और हम पुनः उनसे मिल करके चाहेंगे कि लोकसभा में इस बात को उठाएं, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचे, और उनके उनके संज्ञान में आने के बाद न्याय मिल सके। और हम उनसे उम्मीद करते हैं, और जरूर करेंगे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और बहुत पारिवारिक संबंध मेरे ससुराल पक्ष के लोगों से उनका रहा होगा, लेकिन हमसे तो बहुत अल्प बातें हैं उनसे। और हम उनके चुनाव प्रचार में भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जहां एक गिलहरी प्रयास किए कि उनका अच्छा एक बने। यानी उम्मीद था कि पप्पू यादव जी यसी के लिए संघर्ष किए सड़कों पे तो संसद में जाएंगे, तो हम भगवान से बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और एक गिलहरी प्रयास भी सोशल मीडिया पे कर रहे थे, क्योंकि हम इधर हैं और पूर्णिया में के तरफ चुनाव था, तो हम अपने लोगों को फोन करके बोल रहे थे उनके लिए जो अच्छी चीजें आती थी उनको लोगों के बीच रख रहे थे, उनको शेयर फेसबुक पे शेयर कर रहे थे। अच्छी अच्छी ये तो फेसबुक का बात हो गया, तो पप्पू यादव से उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, वही करेंगे, क्योंकि वो कर चुके हैं। जब वो कुछ सांसद नहीं भी थे तो इतना बड़ा एक आंदोलन छेड़ दिए थे मुजफ्फरपुर में। उसका अच्छा असर भी दिखा, लोगों के बीच कम से कम जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे मुजफ्फरपुर शहर में हो रही है, मुजफ्फरपुर सारे लोग जान पाए। तो हम तो बहुत उम्मीद है कि अभी हम जीत के गए, जरूर लोकसभा में उठाएंगे, अगला जो सत्र आ रहा है उसमें जरूर उठाएंगे, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस चीज को जान सकें कि हमारे उनके ही देश में, जहां से 40 में 39 सीट ले आते थे, इस बार जब उनका
उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा रहा, तब भी बिहार ने अच्छा रिजल्ट परिणाम दिया उनको, और जब इतना अच्छा परिणाम बिहार से लेके जाते हैं तो बिहार की जो दुर्गति है उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में। और एक सिर्फ यसी की बात नहीं है, मुजफ्फरपुर इसके लिए कलंकित है और सारी संगठित गिरोह वहाँ काम कर रहा है, और जो प्रधानमंत्री जैसे लोग ही, ताकतवर लोग ही इसको, गिरोह को तोड़ सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। और पप्पू यादव, माननीय पप्पू यादव जी सांसद हैं और वो जब उठाएंगे तो उनके बातों का जरूर असर होगा संसद भवन में, यानी असर होगा। तो पप्पू यादव जी पहले भी कहते थे कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हम दिखा देंगे कि बेटियों पे अन्याय करने वाला कैसे बच जाएगा, भागने के लिए उसको रास्ता कम पड़ जाएगा और बेटी को न्याय हम दिलाएंगे। तो माननीय को सभी लोगों ने मदद करके संसद भवन में पहुंचा दिया है। अब उम्मीद करते हैं और इनके परिवार के तरफ से हम भी निवेदन करते हैं कि एक बेटी को बचा लीजिए पप्पू यादव जी, जो मुजफ्फरपुर में घूम घूम करके कह रहे थे कि चतुर्भुज जैसे स्थानों को हम ध्वस्त कर देंगे और बेटी को न्याय दिलाएंगे। तो अब संसद में पहुंच गए हैं, ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।